नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जर्नलिज्म गाइड में। और जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया है, जी हाँ, इस वीडियो में डीडी फ्रीडिश को लेकर ही बात होगी। और यहाँ पर जो है आपका डायरेक्ट टू होम डीटीएच ऑपरेटर टाटा स्काई और एयरटेल डिजिटल टीवी डीडी फ्रीडिश के और उन सभी ब्रॉडकास्टर्स के खिलाफ चले गए हैं जिनके चैनल्स आपको डीडी फ्रीडिश में देखने को मिल रहे हैं बिल्कुल फ्री में। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि आपका जी अनमोल है, जी अनमोल सिनेमा है, स्टार उत्सव है, स्टार उत्सव मूवीज है, कलर्स रिश्ते है, आपका कलर सिनेप्लेक्स बॉलीवुड है, रिश्ते सिनेप्लेक्स है, एमटीवी बीट्स है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका सोनी पल की, सोनी वा की, फिल्म ची की और आपका यहाँ पर इशारा हो गया, तो जितने भी आपको मैंने चैनल्स बताए हैं, जी पंजाबी हो गया, आज तक हो गया, एनडीटीवी इंडिया हो गया, जितने भी चैनल आपको मैं बता रहा हूँ ये सभी के सभी पेड चैनल्स हैं। अगर इन चैनल्स को हम टाटा स्काई में, एयरटेल डिजिटल टीवी में देखना चाहें तो ये फ्री में देखने को नहीं मिलते, इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे जितना ब्रॉडकास्टर ने तय किया है। लेकिन अगर हम वही बात करें आपके डीडी फ्री डिश की, तो डीडी फ्री डिश में ये सभी के सभी चैनल्स बिल्कुल फ्री में देखने को मिलते हैं क्योंकि इन्होंने जो है ई ऑक्शन में भाग लेकर अपने चैनल को लॉन्च किया है। तो ऐसे में क्या हुआ, टाटा स्काई और एयरटेल डिजिटल टीवी का ये कहना है कि अगर ये चैनल्स ग्राहकों को बिल्कुल फ्री में डीडी फ्री डिश में मिलेंगे तो हम ऐसे में जो ग्राहक है वो हमसे भी यही डिमांड कर रहा है कि इन चैनल्स को हमारे लिए भी फ्री किया जाए, हमें चैनल्स फ्री में क्यों नहीं दिए जा रहे जबकि डीडी फ्री डिश में फ्री में मिलते हैं। बहुत से कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिन्हें इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती, नॉलेज नहीं होती कि आखिर डीडी फ्री डिश किस प्रकार का डीटीएच प्लेटफॉर्म है और वहां पर किस पॉलिसी के तहत चैनल लॉन्च किए जाते हैं। लेकिन कस्टमर जो है वो कस्टमर है, उसे एक तरीके से ही नजर आता है कि अगर उसमें फ्री मिल रहा है तो हमें भी यहाँ पर भी फ्री चाहिए। तो ऐसे में ये क्या कह रहे हैं टाटा स्काई, एयरटेल डिजिटल टीवी, ये कह रहे हैं कि या तो डीडी फ्री डिश को या चैनल्स को हटाना होगा या फिर ब्रॉडकास्टर्स को इसके खिलाफ ना कोई एक्शन लेना होगा। इससे क्या हो रहा है, हमारे डीटीएच प्लेटफॉर्म को घाटा हो रहा है, कस्टमर जो है वो फ्री की डिमांड कर रहा है और हम उसकी पूरी नहीं कर सकते। क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स की गलती पता क्या है यहाँ पर दोस्तों, गलती यहाँ पर ये है कि अगर उन्होंने डीडी फ्री डिश में भाग लेकर आप सभी के लिए चैनल्स को डीडी फ्री डिश में लॉन्च कर दिया तो ऐसे में बाकी डीटीएच जो भी चल रहे हैं, चाहे आपका टाटा स्काई है, एयरटेल है, डीटूएच है, सन डायरेक्ट है, उनके लिए भी इन चैनल्स को फ्री कर देना चाहिए। इससे भेदभाव नहीं होगा, डीडी फ्री डिश की ऑडियंस को भी मनोरंजन मिलता रहेगा और बाकी डीटीएच ऑपरेटर्स को भी इन चैनल्स को फ्री में दिखाने का मौका मिल जाएगा और उनको जो भी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़ेगा। ब्रॉडकास्टर्स क्या चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अगर हमने डीडी फ्री डिश में इतनी भारी संख्या में पैसा देकर चैनल लॉन्च किया है तो क्यों ना हम बाकी डीटीएच ऑपरेटर से थोड़ा बहुत पैसा वसूल करते रहे, चाहे वो 10 पैसे का ही चैनल क्यों ना हो, वो 10 पैसे भी अगर आ रहे हैं ना तो हमारे लिए बहुत है। लेकिन ऐसे में क्या होता है ना, लोगों में जब भेदभाव आ जाता है तो डीडी फ्री डिश को तो प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि टाटा स्काई या एयरटेल के जो भी ग्राहक है वो डीडी फ्री डिश में शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि जब मोस्टली चैनल हमें डीडी फ्री डिश में फ्री ही मिल जाते हैं तो टाटा स्काई को हम क्यों लगवाएं। तो ऐसे में ये जो है घाटा महसूस कर रहे हैं अपने आप से कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा और भी पेड चैनल आगे लॉन्च होते गए डीडी फ्री डिश में फ्री में तो हमारे डीटीएच प्लेटफॉर्म कौन खरीदेगा। ऐसे में आपका क्या कहना है नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं आपकी क्या राय है इसको लेकर। मेरे ख्याल से देखिए ब्रॉडकास्टर्स के पास ही इसका सलूशन है कि वो डीडी फ्री डिश में भी अपने चैनल्स को बरकरार रखें और अपने चैनल्स को बाकी डीटीएच के लिए भी फ्री में कर दें। इससे क्या होगा, कस्टमर को कोई भी भेदभाव महसूस नहीं होगा और सभी प्लेटफॉर्म में चाहे वो डीडी फ्री डिश के साथ हो आपको फ्री में मिल जाएंगे। जबकि ब्रॉडकास्टर्स की ओर से डीडी फ्री डिश से एक बार फिर से इन चैनल को हटाना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है, टीआरपी एक बार फिर से उनकी चली जाएगी और डीडी फ्री डिश के जो ग्राहकों का विश्वास है वो भी जरूर टूट जाएगा क्योंकि अभी हाल ही में 2019 के बाद एक बार फिर से चैनल लौटे हैं और अगर ऐसे में एक बार फिर से चैनल हमारे लिए छोड़ के चले गए तो बहुत मुश्किल हो सकती है। और आपको मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब ट्राई का टैरिफ ऑर्डर हमारे लिए लागू किया गया था ना तो उस दौरान ही ये फैसला लिया गया था कि इन चैनल्स को डीडी फ्री डिश हटाया जाएगा और इस फैसले के पीछे भी आपके डीटीएच प्लेटफॉर्म स्टार्टर्स के और एयरटेल ही थे क्योंकि उन्होंने भी यही ऑब्जेक्शन पहले भी किया था कि इसकी वजह से हमें घाटा होगा अगर ये चैनल फ्री में मिलते रहेंगे और वही जो वजह एक बार फिर से हमारे बीच गहरा गई है। तो ऐसे में इस वजह का सलूशन मुझे सिर्फ ब्रॉडकास्टर के हाथ में नजर आ रहा है क्योंकि ट्राई के पास जैसे कि उन्होंने केस दायर किया है ट्राई के खिलाफ गए हैं तो मुझे लगता नहीं है कि इसका कोई सलूशन निकलेगा। डीडी फ्री डिश के खिलाफ मेरे को लगता नहीं क्योंकि जा सकते क्योंकि डीडी फ्री डिश सरकारी डीटीएच प्लेटफॉर्म है। लेकिन हाँ, ब्रॉडकास्टर जरूर ये डिसीजन ले सकते हैं कि वो अपने चैनल को डीडी फ्री डिश में बरकरार रखना चाहते हैं या नहीं। तो कहने के एक बार फिर से संकटों के जो बादल हैं इन चैनल्स पर गराते हुए नजर आ रहे हैं वो भी सिर्फ टाटा स्काई और डिजिटल टीवी की वजह से। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल पहली बार आए थे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी डीटीएच की सबसे बड़ी खबरें हैं वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगी। नमस्कार।